मोदी जी हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं, वो हाई टेम्परेचर लाना हमारे को आता है और हम जीवन भर काम करते हैं हमारी पेंशन छीन ले, ऐसा बिल्कुल कतई हम होने नहीं देंगे। देखिए आज जब लंबी मांग होती है जब भी पूरी भी होती है, और आजकल की जो हमारी जो आज सरकार है जो माननीय मोदी जी हैं वो बड़े हिम्मत वाले हैं, उनका 56 इंच का सीना है, उनको थोड़ी बात देर में समझ में आती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर लग रही है तो रिजल्ट आने वाला है। संसद में कई बार चर्चा चली है पर अभी तक लागू नहीं किया इसको, अब करना शुरू करेंगे। अभी देवेंद्र फडणवीस भी समझ गए, हिमाचल प्रदेश की हार के बाद समझ गए सारे के सारे, अब सब में मंथन होता है, बाहर बात थोड़ी देर में निकल के आएगी, कुकिंग पूरी चालू है। नहीं वो कह रहे हैं कि जो जिस राज्य ने ये लागू कर रखा है वो राज्य बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। ये शुरू में सब कहते हैं, किसान आंदोलन के किसान कानूनों को भी ऐसे ही कहा गया था, लेकिन एक वर्ष के बाद एक रात को अंतरात्मा जागी और अगले दिन किसानों की मांग मान ली गई। लेकिन आपको लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। रोड़ों पर डटकर बैठे रहे, आंधी तूफान का सामना करते रहे, तो और एक साल से ऊपर हो तो क्या हम इंसान नहीं है? हम नहीं बैठ सकते, हम हिम्मत वाले नहीं लगते? हम देश का निर्माण करते हैं, हम स्कूलों में बीच बीच में घरों में बैठते एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशन में तो वेतन भोगी जो वेतन भोगी होता है, आप हमें लग्जरी लाइफ की जीने की कह रहे हैं, लग्जरी लाइफ का तो हमें वेतनमान नहीं मिलता, आप कैसे कह रहे हैं हम घरों में बैठते हैं? हम तो सारे दिन शिक्षक जो है बच्चों का निर्माण करता है, देश का निर्माण करता है, विद्यालयों में होते हैं, हम शिक्षक घर पे कहाँ रहते हैं? तो अभी आप रोड़ों पे आ चुके हैं? आ चुके हैं, जंतर मंतर तो ऐतिहासिक स्थल है, जो कि आप ये लगाइए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह गया संसद भवन, और सिर्फ हम 1 किलोमीटर दूर तक पहुँच चुके हैं, इसको आप सरकार चंद लोग जो है सरकार को हिला लेंगे? सरकारी कर्मचारी चंद ही लोग हैं, पूरा देश इसमें नहीं आएगा, लेकिन जब चंद लोग हिमाचल को हरा सकते हैं तो देश में भी पर्ले ला सकते हैं। आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कैसे पॉलिटिक्स लगा? आप कह रहे हैं आपको कैसे पॉलिटिक्स लगा? हिमाचल को हरा सकते तो आप तो पॉलिटिक्स पे आ गए। क्योंकि हिमाचल को कर्मचारियों ने हराया, सरकारी कर्मचारियों सरकारी शिक्षकों ने हराया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ 36,000 वोटों से हारे, सिर्फ नहीं, नेता तो हम हैं, नेता तो हम पैदा करते हैं, नेता तो शिक्षक ही पैदा करता है, वैज्ञानिक भी शिक्षक पैदा करता है, इंजीनियर भी शिक्षक पैदा करता है, देश का निर्माण शिक्षक करता है, आप कैसे कटाक्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर? मोदी से पूरा उम्मीद है, मोदी जी हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं, वो हाई टेम्परेचर लाना हमारे को आता है। कांग्रेस तो बिगड़ रही है। हाँ जी, कांग्रेस तो बिगड़ रही है। कांग्रेस क्या हो रही है? कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? हार से भाजपा सरकार डरती है, हमें ये मालूम है। देश के विकास में लगाया जा रहा है पेंशन का कुछ हिस्सा, देश के नागरिक भूखा मरे, देश को चलाने वाले सरकारी कर्मचारी जो सरकारी देश को चलाते हैं वो भूखा मरे, और मतलब देश का पैसा विकास में लगे, विकास के लिए क्या पहले नहीं लगता था? 70 साल से देश नहीं चल रहा, 70 साल पहले से पेंशन नहीं मिल रही थी, क्या पेंशन अभी देश को कंगाल करेगी? पेंशन मांग रहे हैं, सैलरी भी तो बढ़ी है, 1-1 लाख तक की सैलरी, सैलरी हमेशा बढ़ती है, महंगाई के हिसाब से बढ़ती है, हर 3 महीने में बढ़ती है, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है। पेंशन और सैलरी में फर्क है, पेंशन अगर हमने 60 साल की वर्ष तक देश की सेवा की तो 60 साल के बाद भी हमें जीने का अधिकार और जीने की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने सरकार की सेवा की है। 5 साल आने वाला एक राजनीतिक एक वोट से चुना हुआ इलेक्टेड आदमी जन्म भर पेंशन ले सकता है, जो जन्म भर सेवा करते हैं सरकार की वो पेंशन का हकदार नहीं है। वो समाज सेवा कर एक बार शपथ ले लें, अगर वो शपथ ले लेते एक बार तो उनकी जीवन भर की पेंशन शुरू हो जाती है, और हम जीवन भर काम करते हैं हमारी पेंशन छीन ले, ऐसा बिल्कुल कतई हम होने नहीं देंगे। आप भी मतलब उनसे बगावत करेंगे? बगावत क्यों नहीं करेंगे? एक एक बेहुदा सांसद ये कहता है कि हम पेंशन इसलिए लेते हैं कि हम बाद में लोग पब्लिक मिलने आती है, हम उनके चाय पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे आदमियों की चाय पानी और मिलने का बहिष्कार करते हैं, कोई ना चाहे बेहुदा बता दिया आपने, अगर बेहुदी बात करेगा तो बेहुदा बताया जाएगा। और किस किस को बेहुदा बताने की कोशिश? जो जो अगर इस तरह कोई गाली देगा कर्मचारी को उसको बताया जाएगा ऐसे ही। अच्छा, आप प्रधानमंत्री पे तो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो हमने बताया, प्रधानमंत्री जी को एक दिन याद आएगा और हमारी पेंशन दे देंगे, हमें उनसे ये उम्मीद है। अच्छा, जिन्होंने देश की और भी काम है, 16-16 घंटे काम करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बात के लिए भी बैठे हुए हैं वो? मतलब वो क्या हम देशवासी नहीं है? हम कहीं बाहर से आए हुए हैं, हम माइग्रेंट हैं, हम माइग्रेंट हैं, उन्हें अपने देशवासियों की बात नहीं पता? आज राष्ट्रीय नहीं चाहिए,
नहीं उससे पेंशन का क्या मतलब है, पेंशन देश को कहाँ पिछाड़ रहा है, पेंशन पेंशन रेगुलेटरी फंड से मिलता है, पेंशन किसी घर से नहीं आती है। जो हमारा जो हमारी पुरानी पेंशन, मैं पुरानी पेंशन से हूँ, मुझे मालूम है पेंशन कैसे मिलती है। हमारी पुरानी पेंशन जो हमारा जो GPF कटता है, जो उसका इंटरेस्ट आता है, जो धन हमारे पास सरकार के पास रहता है, धन सरकार उसको इन्वेस्ट करती है, उससे हमारे रेगुलेटरी फंड से पेंशन मिलती है, ना कि किसी सड़क के फंड से मिलती है, किसी विकास के फंड से मिलती है। ये पेंशन रेगुलेटरी फंड से मिलती है।